हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस, और हम लोग चैप्टर कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। और आज का टॉपिक रहेगा नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है, उसके बारे में आज डिस्कशन होएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। जो आज की डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय इमेजिनिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टीज। एक सिचुएशन की एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं कि उनकी जरूरत क्यों है। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो हर कैंडिडेट जो भी इलेक्शन में आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब अपने बलबूते पे आएंगे। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। तो कोई भी लोगों से कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएगा अगर कोई बड़ा पॉलिसी में बदलाव करना हुआ, क्योंकि अकेला कैंडिडेट का मतलब क्या है, सिर्फ सिंगल पर्सन। तो सिंगल पर्सन की पावर इतनी नहीं हो सकती कि वो कोई बड़ा पॉलिटिकल चेंज जो है वो सोसाइटी के लिए क्रिएट कर पाए। गवर्नमेंट मे बी फॉर्म गवर्नमेंट बन सकती है, बट इट्स यूटिलिटी विल बी रिमेन अनसर्टेन, एवर अनसर्टेन। लेकिन जो इसका यूज है वो अनसर्टेन, यानी कि कोई फिक्स नहीं रहेगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकैलिटी। जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे वोट्स के थ्रू, वो सिर्फ अपने ही एरिया में अकाउंटेबल होंगे कि उन्होंने उस एरिया में क्या किया, बट नो वन विल रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। लेकिन कंट्री कैसे चलेगी इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग ही नहीं करते हो तो जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को शो करेंगे और एक इंडिविजुअल एरिया को ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन एज अ होल एक कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाई लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू दी पंचायत इन मैनी स्टेट्स। काफी सारी स्टेट्स में जो पंचायत का इलेक्शन होता है जिसमें पार्टी का कोई रोल नहीं होता, उसके बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं। ऑल्दो द पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, इट इज जनरली नोटिस दैट द विलेज गेट स्प्लिट इनटू मोर देन वन फैक्शन, ईच ऑफ विच पुट्स अप अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन क्या देखा गया है, जो एक गांव होता है वो भी एक से ज्यादा हिस्सों में बंट जाता है जब इलेक्शन की बात आती है, और हर हिस्सा अपने अपने अकॉर्डिंगली एक कैंडिडेट को पुट कर देता है। यानी कि एक तरह से वो भी पॉलिटिकल पार्टी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक गांव में सपोज कर लो 1,000 लोग हैं, वहां पे 200 लोगों ने एक ग्रुप बना के अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, 500 ने एक अलग कैंडिडेट बना दिया, 100 ने एक अलग बना दिया। तो ये भी इनडायरेक्टली वे से क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही की जा रही है, पॉलिटिकल पार्टी ही रिप्रेजेंट की जा रही है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज, और यही पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लेवल पर करती है। दैट इज द रीजन वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वेदर दीज कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, ओल्ड और न्यू, डेवलप्ड और डेवलपिंग। और यही जो इसी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज है आपको दुनिया के हर कंट्री में मिल जाएंगे, चाहे वो कंट्रीज बड़े हैं, छोटे हैं, पुराने हैं, नए हैं, डेवलप हो चुके हैं या डेवलप कर रहे हैं। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक टू द एमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। पॉलिटिकल पार्टीज का जो राइज है, जो उन्होंने अपना दायरा बढ़ाना है, वो डायरेक्टली किसके साथ लिंक है, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, जो डेमोक्रेसी में उनको रिप्रेजेंट करेगा लोगों के सामने, वो किस तरीके से उभर रहा है, इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी का राइज करता है। एज वी हैव सीन लार्ज सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमने देखा है कि जितनी बड़ी सोसाइटी होगी या बड़ी बड़ी सोसाइटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जरूरत होती है। एज सोसाइटीज बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, दे ऑल्सो नीडेड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन डिफरेंट वेरियस इशू एंड टू प्रेजेंट दीज टू गवर्नमेंट। जैसे सोसाइटीज बड़ी हुई और कॉम्प्लेक्स होती गई, क्योंकि अलग अलग जो
मतलब आप कह सकते हो कि विचारों वाले लोग इकट्ठे हुए तो भी तो सोसाइटी बनती है, तो उनको कोई एजेंसी की जरूरत थी ताकि वो उनके अलग अलग व्यूज को इकट्ठा करे इश्यूज के रिगार्डिंग और उनको गवर्नमेंट के सामने रखे। दे नीडिड सम वेज टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टूगेदर सो दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म। उनको कुछ ऐसा तरीका चाहिए था ताकि अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हो जाएं और वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर सके। अब जैसे अपन इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं तो हर स्टेट से एक एमपी चुने जाते हैं जो अपनी अपनी स्टेट्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम्स को देखते हुए सोल्यूशन करती है। अब एमपी एक स्टेट का एक नहीं होता, आपको पता है स्टेट की पॉपुलेशन और साइज के हिसाब से डिफरेंट नंबर ऑफ एमपीज होते हैं, तो वो हर एमपी अपने एरिया की जो प्रॉब्लम है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करते हैं और उनका सॉल्यूशन गवर्नमेंट से चाहते हैं। तो इस तरीके से इतने बड़े लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन या सोसाइटी को कुछ जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के सामने रखते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दे नीडेड मैकेनिज्म टू सपोर्ट द गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज जस्टिफाई और अपोज देम। उनको एक मैकेनिज्म चाहिए, सोसाइटीज को एक मैकेनिज्म चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सके, ताकि वो पॉलिसीज बना सके, गवर्नमेंट उसको जस्टिफाई कर सके और अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो उसका अपोज यानी कि विरोध भी कर सके। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल करती है और हर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में ये चीज होती है। वी कैन से दैट पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। तो इन पॉइंट्स को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का होना डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने डिफरेंट व्यूज को हम लोग अगर सोसाइटी में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उनको एक कॉमन पॉइंट पे लेके आना और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव चाहिए और वो रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करेंगे। तो आई होप कि आपको नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।